दैट वी विल बी मैम डिस्कस। रिकॉर्डिंग आपने स्टार्ट कर ली। ओप्स सॉरी, मैंने की नहीं है स्टार्ट। ओके आई यस मैम हैव। अभी आ गए नोटिफिकेशन। सो जी, सो वी विल स्टार्ट विद सॉल्विंग लीनियर कांस्टेंट कोफिशिएंट डिफरेंस इक्वेशन। हमने जो है लास्ट टाइम कल डिस्कस की थी उसको बहुत ही ब्रीफली सर हम रिव्यू करेंगे 2-3 मिनट, एंड देन वी विल सॉल्व वन एग्जांपल कि डायरेक्टली आप कैसे कांस्टेंट इक्वेशंस को LCCDE जो हैं इनको सॉल्व कर सकते हैं, एंड देन वी विल एक्चुअली डू जस्ट वन एग्जाम्पल एंड देन वी विल मूव टूवर्ड्स कोरिलेशन। कोरिलेशन भी अगेन आप लोगों को आइडिया है, यू मस्ट हैव स्टडीड इट इन कम्युनिकेशन सिस्टम के कोर्स में। तो उससे रेलेवेंट कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो उसको मे बी हम रिवाइज करेंगे, मे बी आप लोगों के लिए नए होंगे, बट वी विल टॉक अबाउट दिस एंड देन वी विल सी के इनपुट आउटपुट जो है LTI सिस्टम से उनके कोरिलेशन जो हैं वो आपस में किस तरह से इंटर रिलेटेड होती हैं, वट आर द रिलेशनशिप बिटवीन द कोरिलेशन ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट ऑफ एन LTI सिस्टम। तो ओके, कांस्टेंट लीनियर कांस्टेंट कोफिशिएंट डिफरेंस इक्वेशन वी हैव सीन के ये स्पेसिफिक फॉर्मेट में हमारे पास जो इक्वेशंस हम लिखते हैं LTI सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट LTI सिस्टम एंड वी आर टॉकिंग अबाउट कॉजल सिस्टम। ये चीज़ हमने जो है वो कल ही इस्टेब्लिश कर ली थी, और उस केस में हम वी हैव सीन के जो कॉन्स्टली LCCDE जो है डिफरेंस इक्वेशंस जो हैं उनको हम इस तरह से जो है वो फ्रॉम 0 to n ak y n minus k ठीक है। ओके, सो दीज आर एक्चुअली दिस इज द जेनेरिक फॉर्म ऑफ ये डिस्क्रीट टाइम में जो है वो लीनियर कांस्टेंट कोफिशिएंट डिफरेंस इक्वेशन जो है हम लिखते हैं टू रिप्रेजेंट LTI सिस्टम को, कॉजल LTI सिस्टम को। एंड वी सॉ टू थिंग्स यस्टरडे के फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो गोल होता है दैट इज ऑलवेज टू कंप्यूट करंट आउटपुट। सो वी सॉ के वी कैन टेक करंट आउटपुट ऑन वन साइड एंड देन टेक एवरीथिंग एल्स ऑन द अदर साइड, एंड व्हेन वी डू दिस वी हैव टू काइंड ऑफ टू डिस्टिंक्ट डिवीजन ऑफ दिस इक्वेशन, जिसमें से एक हमने देखा था कि जिसमें आउटपुट होता है और उसके प्रीवियस आउटपुट्स की जो वैल्यूज़ हैं वो इन्वॉल्व होती हैं, एंड देन द अदर वॉज द दिस फैक्टर जिसमें करंट और प्रीवियस इनपुट्स इन्वॉल्व होते हैं। एंड वी सॉ के दीज फैक्टर्स एक्चुअली कंट्रीब्यूट डिफरेंटली टूवर्ड्स द सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम, और हमने कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू ये चीज़ देखी थी कि जिस केस में इफ़ यू हैव जस्ट द करंट इनपुट एंड द प्रीवियस इनपुट्स इन्वॉल्व दैन इन दैट केस आर सिस्टम इज़ मूविंग एवरेज सिस्टम, और उसमें हमेशा हमारे पास FIR सिस्टम होता है एंड स्टेबल सिस्टम होता है। ऑन द अदर हैंड अगर वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिस्टम इन जिसमें आउटपुट का जो फीडबैक है दैट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व, देन इन दैट केस रिकर्सिवली हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। इम्पल्स रिस्पॉन्स जो होता है हमारा वो IIR सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, और उस केस में द सिस्टम कैन बी स्टेबल और नॉन अनस्टेबल डिपेंडिंग अपॉन के हमने पैरामीटर्स जो हैं वो डिफरेंट हमारे पास पैरामीटर्स HOF(n) के किस तरह से आ रहे हैं। सो दीज वर द टू मेन थिंग्स जो कि हमने कल डिस्कस किया था कि रिकर्सिव और नॉन रिकर्सिव पार्ट जो होते हैं वो डिफरेंटली कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं टूवर्ड्स द सोल्यूशन ऑफ अ सिस्टम। आज हम ये देखेंगे कि अगर हम डायरेक्टली इसको सॉल्व करना चाहें इन सिस्टम को, तो देयर आर एक्चुअली टू मेथड्स ऑफ सॉल्विंग दीज काइंड ऑफ इक्वेजन्स। एक को जो हम डायरेक्ट मेथड कहते हैं और दूसरों को इनडायरेक्ट मेथड कहते हैं। इनडायरेक्ट मेथड जो है दैट इज़ यूजिंग Z ट्रांसफॉर्म, और दिस इज़ समथिंग सिमिलर टू जो आप लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेजन के लिए लैपलास में भी किया हुआ होगा। एंड देन आफ्टर मेरा ख्याल है आज की क्लास या कल की क्लास के बाद मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट वी वुड बी डूइंग विल बी बेस्ड ऑन Z ट्रांसफॉर्म, बिकॉज DSP इज़ ऑल अबाउट Z डोमेन एंड फोरियर डोमेन, और उसमें जो है वो हम बात करेंगे। लेकिन ये कि टुडे वी विल टॉक अबाउट द डायरेक्ट मैथड ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ द सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंस इक्वेजन। अब डायरेक्ट मैथड जो है उसमें इफ़ यू रिमेंबर
फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन पार्ट जो आपने आप मुझे इतना तो याद है कि आपकी क्लास जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो है वो शायद पूरा कोर्स पढ़ के आती है, राइट? आप लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशंस खासी डिटेल में की होती हैं मैथ वगैरह में, सो यू नो हाउ टू सॉल्व देम. अब जो है सिर्फ डिफरेंस ये है कि वी एक्चुअली आर सॉल्विंग बिकॉज वी आर एक्चुअली टारगेटिंग द सिस्टम इट्सेल्फ, कि जिसको आप प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं. बट इट डजेंट चेंज द फैक्ट कि आपके पास जो सोल्यूशंस हैं दे आर इन द सेम मैनर. सो इन दिस केस वॉट एक्चुअली हैपन्स इज के वी हैव द ओवरऑल सोल्यूशन इज comprised of two parts. एक को हम कह देते हैं homogeneous solution y h of n, और दूसरा जो solution है वो particular solution होता है. Can anyone tell me what is the difference between these two parts of the solution? Homogeneous और particular solution जो होता है उनमें क्या difference होता है main? मैम जो homogeneous होता है उसमें initial condition zero होती है और particular में मेरा ख्याल initial conditions होती है. ओके एनी वन एल्स इनिशियल कंडीशन मैटर करती है इक्वेशन को हम लोग इनपुट जीरो कर सॉल्व करते हैं. हाँ जी ओके ओके यस आपने इनिशियल कंडीशन का वर्ड यूज़ किया था बट आई गेस यू वांटेड टू से द इनपुट और जो दूसरा मुझे सॉरी अगेन आई कैन रिकॉग्नाइज योर वॉइस इज नाउ बट आई डोंट रिमेंबर द नेम सो मैं वॉइस से ही सिर्फ रेफर कर सकती हूँ. सो दोनों आंसर्स जो हैं दे आर करेक्ट एक्चुअली क्योंकि वट होमोजीनियस सोल्यूशन जो है उसमें हम एक्स ऑफ एन को जीरो ले रहे थे. सो इट मीन्स कि वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू फाइंड द रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम. आप ये कह सकते हैं कि उसका हम सिस्टम का रिस्पॉन्स इंट्रेंसिक काइंड ऑफ रिस्पॉन्स फाइंड आउट करना चाहते हैं कि जो सिस्टम इट्स सेल्फ के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा बिकॉज ऑफ द रीज़न कि हमने उसको कोई इनपुट का इफेक्ट देखा ही नहीं है. एक्स ऑफ एन को जीरो कर देते हैं जब होमोजीनियस सोल्यूशन हम ले रहे होते हैं. ऑन द अदर हैंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर सोल्यूशन तो पर्टिकुलर सोल्यूशन इज पर्टिकुलरली बेस्ड अपॉन द इनपुट जो कि आपने ली हुई है. सो इट मीन्स के अच्छा दोनों केसेस में जो है वी एक्चुअली टॉक अबाउट द सोल्यूशंस कि हम अस्यूम करते हैं कि सोल्यूशन इस फॉर्मेट का होना चाहिए एंड देन वी कीप ऑन सॉल्विंग बेस्ड अपॉन दैट अजम्पशन. लेकिन दोनों में अजम्पशन डिफरेंट होती हैं. जब आप पर्टिकुलर सोल्यूशन की बात करते हैं तो जो हमारे पास इनपुट होता है जो भी एक्स ऑफ एन की का फॉर्म है फॉर एग्जाम्पल एक्स ऑफ एन इज यू ऑफ एन और डेल्टा एन और सम एक्सपोनेंशियल और समथिंग एल्स. सो उसी की बेस पे यू डिसाइड के वट can be the assumption about the output also because so it means jis tarah word se pata chal raha hai ki particular is something which is very particular particularly based upon the inputs ke upar to uski base pe jo very so what we are actually saying is ke particular solution mein y p of n jo hai that would have some factor that would involve the input also jo ki jo bhi aapne particular input liya on the other hand y h of n jab hum compute kar rahe hain to usme bhi never टेक एनी इनपुट. एक्स ऑफ एन को हमने जीरो ही कर दिया है तो इसका मतलब है कि इनपुट का इफेक्ट जो नहीं देख रहे हैं. हम सिर्फ सिस्टम को एनालाइज करने की इसमें कोशिश कर रहे हैं कि जो सिस्टम इट्सेल्फ है विदाउट एनी एक्साइटेशन विदाउट एनी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस वो किस तरह से बिहेव कर रहा होगा. ठीक है सो अच्छा तो इसका क्या मतलब है कि हमने जो यहाँ पर इक्वेशन पीछे लिखी थी इफ़ वी ट्राई टू सॉल्व वी विल स्टार्ट विद पर्टिकुलर होमोजेनियस सॉल्यूशन. तो अगर मैं एच ऑफ एन को एक्स ऑफ एन को जीरो ले रही हूँ तो व्हाट डज इट मीन कि दिस होल पार्ट विल नॉट बी प्रेजेंट इन द इक्वेशन. अगर हम जब होमोजेनियस सॉल्यूशन निकालना चाह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास इक्वेशन बच जाती है फॉर होमोजेनियस. ओके सो वी आर ट्राइंग टू सॉल्व फॉर वाई एच ऑफ एन और वाई एच ऑफ एन में जो हमारे पास इक्वेशन रहती है दैट इज़ ओनली दिस इक्वेशन बिकॉज ऑफ द रीज़न कि हमने इनपुट को ज़ीरो ले लिया है फॉर ऑल एन. सो दिस इज़ द इक्वेशन दैट वी आर ट्राइंग टू सॉल्व एंड इस केस में we actually assume that the solution will be in the form of exponential. So what we are saying is ki aapke paas okay now this is not the exact y h of n basically y of h of n jo hai main yahan pe lambda n to likh rahi hu because this is how your book is solving it but aapko dusri jagah pe ye bhi nazar aa raha hoga ki they will be assuming ki it is in the form of summation of some k theek hai times
delta k of n. And this is actually, this should be the right way of writing it. So what we are actually saying is ki jo homogeneous solutions hain, they will involve certain exponentials. Aur wo exponentials jo honge, they will be dependent upon ki aapke paas jo equation hai, wo kis type ki hai. Aur wo zahir hai, hum abhi aage thoda sa solve karenge, to it will be very clear to you. But in your book, jo unhone, main sirf is cheez ko clarify isliye karna chah rahi hu, ki they have started with this assumption ki y h of n equal to lambda n hai, isse unhone solve kiya hai. And end mein they are actually going to the same thing, ki y of h of n would be sum of different exponentials. So that can confuse you. But what actually they are trying to say in your book is ki आपके पास लैम्बडास की फॉर्म में जो है वाई एच ऑफ एन होगा, और जब आप लैम्बडास की फॉर्म में सॉल्यूशन को लेके चलेंगे एंड देन यू विल सॉल्व फॉर दीज सीज जो कि हमारे पास कोफिशिएंट्स हैं, तो आपको होमोजीनियस सॉल्यूशन मिल रहा होगा. एंड दैट इज़ नॉट समथिंग वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व. फॉर एग्जाम्पल, तो अब अगर मैंने ये कहा है कि इस इक्वेजन का जो सोल्यूशन है वो लैम्बडा की फॉर्म में है, तो वट डज़ इट मीन कि इसी इक्वेजन को आई कैन रिप्लेस वाई बाय लैम्बडा रेज़ टू द पावर एन. Or in other words, y of n minus k would become lambda of n minus k equal to 0. ये मेरे पास equation हो जाएगी. इसको मैं further just open कर लेती हूँ. a naught lambda n plus a1 lambda n minus 1 and so forth. यहाँ कहीं मेरे पास second last term जो है that would be equal to a of n minus 1 lambda lambda of n minus 1. ये आज पता नहीं क्या हो रहा है लैब में. ओके, एंड देन आप लोगों को मेरे साथ साथ उनकी आवाज़ तो नहीं आ रही बहुत ज़्यादा. अगर आ रही है तो आई शुड टेल देम टू. आ रही है, आ रही है. ओके, लेट जस्ट वेट. फिर मैम, ये हम लैम्डा का यूज क्यों कर रहे हैं? लैम्डा वो जनरल इक्वेशन ली हुई है मेरे ख्याल से. ओके जी, सो हाँ जी, मैं सिर्फ और सिर्फ इस इक्वेशन को ओपन कर रही हूँ. के की जगह जो है आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम ओके राइट. ठीक है, ये जो है ना बेसिकली मैंने गलत इक्वेशन लिखी थी. ओके, सो आई एम टेकिंग के इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब है ए जीरो लैम्डा एन आ जाएगा मेरे पास. ठीक है, प्लस ए वन लैम्डा ऑफ एन माइनस वन and so and so forth. Second last term would be equal to a of n minus 1 lambda n minus 1 plus a n lambda of n minus n equal to 0. Okay, I have done nothing except जी बोले मैम, ये लैम्डा का यूज आप क्यों कर रही है समझ नहीं आया. ये लोगों को एक्चुअली आई अस्यूम कि आप लोगों ने इक्वेशंस जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशंस की हुई हैं. जब डिफरेंशियल इक्वेशन आप करते हैं तो उसमें आप क्या करते हैं, होमोजेनियस सॉल्यूशन को किस तरह हमेशा अस्यूम करते हैं. अगर आपके पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको आप सॉल्व कर रहे हैं, सो यू हैड क्योंकि एक्चुअली वही बात है कि हम इसको एक्सप्लेन मतलब हम इसको डिस्कस तो कर सकते हैं, लेकिन इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंस इक्वेशंस जो है उनको उनके ऊपर हम इस तरह से सॉल्यूशन के ऊपर जो है वो इतना आगे आपके कोर्स में ये यूटिलाइज नहीं हो रहा होगा. सो आई डिडंट वॉन्ट टू स्पेंड दैट मच टाइम. ठीक है, आपके जो चैप्टर में वो सारी चीज़ें मौजूद हैं और मैंने ये अस्यूम किया कि आप लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन आपने डिफरेंशियल इक्वेशन का कोर्स पढ़ा हुआ है राइट. पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ मैथ में? पढ़ा हुआ है. ओके, सो हाउ डू यू सॉल्व फॉर होमोजीनियस सॉल्यूशन? आप क्या करते हैं होमोजीनियस सॉल्यूशन को जब सॉल्व करते हैं, यू स्टार्ट विद व्हाट असम्पशन? आप क्या करते हैं अस्यूम? उसमें इनपुट को जीरो करते हैं, मतलब ओके इनपुट को तो जीरो करते हैं, वो तो हमने कर दिया. उसके बाद व्हाट डू यू अस्यूम अबाउट द फॉर्म ऑफ द होमोजीनियस सॉल्यूशन? मैम एक्सपोनेंशियल्स की एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में. ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग हियर.
ठीक है, दिस इज़ द एग्जैक्ट थिंग। ये जो अगेन आई एम नॉट श्योर कि किसने क्वेश्चन पूछा था, लेकिन दिस इज़ व्हाट वी आर एक्चुअली डूइंग, कि हम पहले तो एक्स ऑफ एन यानी होमोजीनियस इक्वेशन जब हमने निकालनी है, तो द फर्स्ट थिंग दैट वी आर डूइंग इज़ वी आर एक्चुअली प्लेसिंग एक्स ऑफ एन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एन, ठीक है, जो भी एन की वैल्यूज़ हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे पास थ्रू आउट जो एक्स ऑफ एन वाली टर्म जो है वो चली गई। एंड देन द सेकेंड अजम्पशन दैट वी आर मेकिंग इज कि जो हमारे पास सोल्यूशन होगा इट विल हैव एक्सपोनेंशियल इन इट, ठीक है, विच इज़ एक्चुअली नॉट समथिंग जो कि हवा से मतलब इट्स नॉट समथिंग कि जो हमने लॉजिकली इलॉजिकली जो है अस्यूम किया है, इसका सोल्यूशन आता ही इस फॉर्म में है, ठीक है, बट द थिंग इज कि हम उस चीज़ को फिलहाल डिस्कस नहीं करना चाहते बिकॉज ऑफ द रीज़न कि हम जो है वो इतना ज़्यादा डिफरेंशियल इक्वेशन को नहीं डिस्कस करना चाहते, बट आई वुड एक्चुअली गिव यू जब मैं आपको नेक्स्ट असाइनमेंट दूंगी तो आई विल गिव यू द समथिंग जिससे आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि वाई आर यू अस्यूमिंग दिस टू बी इक्वल टू लैम्डा एन, ठीक है, बट फॉर द टाइम बीइंग जस्ट ट्राई टू रिलेट इट विद योर इन्फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस, कि हमारे पास जिस तरह डिफरेंशियल इक्वेशन में हम एक्सपोनेंशियल अस्यूम करते हैं होमोजीनियस सोल्यूशन को, यहाँ पर भी जो है वो हमने एक्सपोनेंशियल अस्यूम किया है। एक्सपोनेंशियल का क्या मतलब है, इट डज नॉट नेसेसरली हैव टू बी लैम्डा, इट कैन बी मैं इसको ए रेस टू द पावर एन भी कर सकती थी, मैं इसको बी रेस टू द पावर एन भी कर सकती थी, विच माइट हैव लुक्ड मोर एक्सपोनेंशियल, या जो आपके पास जो ज़्यादा एक्सपोनेंशियल आप देख रहे होते हैं, ठीक है, ई रेस टू द पावर जे ओमेगा एन में नहीं कर सकती, वाई नॉट, कौन बताएगा वैसे, वाई नॉट, ए एन मैं बी एन कर सकती हूँ, बट वट आई एम सेइंग इज कि मैं इसको इस तरह की फॉर्म में नहीं लिख सकती, or I shouldn't be writing it like this, why? Ji, anyone? Okay, chale, what kind of exponential are e j omega n? Aapke paas complex hain, lekin unki kya characteristics hain? They are periodic. ठीक है, हमने ये शुरू में बात की थी कि हमारे पास जो है वो जब हमने आप हमने ये कोर्स स्टार्ट किया था तो वी सॉ कि अगर हमारे पास एक्सपोनेंशियल्स जो हैं ए रेस टू द पावर एन है तो डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ ए आपके पास डिफरेंट तरह से जो वो प्लॉट होगा, ए अगर वन से छोटा है तो डिक्रीजिंग होगा इंक्रीजिंग होगा, मगर इफ़ ए इज़ ई जे ओमेगा के इक्वल है तो इसका मतलब है कि देर इज़ सम फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व एंड इट मीन्स के वी कैन राइट इट इन टर्म्स ऑफ कोसाइन एंड साइन एंड दैट इज़ समथिंग विच इज़ पीरियोडिक विच कैन बी पीरियोडिक या ये कि ये सब कैटेगरी में आ जाता है। ओके, माई पॉइंट इज़ कि ये जो आप लोग अगर लेमडा से थोड़े से कन्फ्यूज़ हो रहे हैं तो लेमडा बेसिकली इज़ एक्चुअली जस्ट शोइंग कि हमारे पास हमने नॉर्मली जो है हम एक्सपोनेंशियल्स को ए रेस टू द पावर एन लिख सकते हैं या एक्स रेस टू द पावर एन लिख सकते हैं, बट द हेयर वी आर एक्चुअली यूजिंग बिकॉज रीजन के ए और बी जो है वो कोफिशिएंट में हम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, बट जस्ट रिमेंबर दिस थिंग के जो भी हमारे पास होमोजीनियस सोल्यूशन होता है दैट इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल, ठीक है, जेनेरिक एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करना चाहती हूँ सो आई विल ऑलवेज स्टार्ट बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई टू बी इक्वल टू लैम्डा रेज़ टू द पावर एन माइनस के, ठीक है, और इसका जो है मैं आपको अगेन आइदर वी कैन हैव अनदर एक्स्ट्रा क्लास के जिसमें आई कैन एक्सप्लेन दिस द होल थिंग कि ये क्यों आ रहा है, और ये कि मैं आपको जो है वो शेयर कर दूंगी रीडिंग के लिए विच यू कैन रीड एंड देन आई कैन गिव यू सम एग्जांपल्स आल्सो जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कैसे आ रहा है, ठीक है, बट फॉर द टाइम बींग जस्ट रिमेंबर दिस थिंग कि हमारे पास जो होमोजीनियस सोल्यूशन होमोजीनियस इक्वेशन का सोल्यूशन है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल, और आपके पास जब किसी भी इक्वेशन का सोल्यूशन जो है वो आपको पता होता है तो इसका मतलब है कि उस सोल्यूशन के लिए वो इक्वेशन ज़ाहिर है सेटिस्फाई होनी चाहिए ना, तो इसलिए मैंने क्या किया है कि वाई की जगह जो भी इसका सोल्यूशन बन रहा है उसको पुट कर दिया है एंड देन आई एम जस्ट टेकिंग ओपनिंग दिस समेशन। अब इसको जब हम ओपन कर देते हैं उसके बाद आई विल डू जस्ट वन मोर थिंग, आई विल टेक लैम्डा रेज़ टू द पावर n माइनस एन, यानी जो भी मेरे पास हाईएस्ट a आ रहा है
ए टू है, ए थ्री है, ए फोर है, वट एवर, इसके साथ जो भी मेरे पास लैम्डा मल्टीप्लाई हो रहा होगा आई विल जस्ट टेक इट आउट. ओके, वाई? बिकॉज आई वॉन्ट टू हैव इक्वेजन, ए पॉलिनोमियल मैं बनाना चाह रही हूँ विच इज लैम्डा का पॉलिनोमियल बनाना चाह रही हूँ. ठीक है, सो दैट दैट इज एक्चुअली नॉट समथिंग जो कि इतना यानी आपके पास जिस तरह से जब आप पॉलिनोमियल्स लिख रहे होते हैं तो आपके पास किस तरह से होता है, अब यहाँ पर आपके पास यू हैव एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो. ठीक है, अब लेट्स कुछ मौजूद है कि एक्स स्क्वायर के बजाय आई हैव दिस थिंग अवेलेबल, थ्री एक्स माइनस टू प्लस टू एक्स माइनस वन प्लस जस्ट वन आया हुआ है, एंड आई वॉन्ट इट टू बी इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल. सो वट आई कैन एक्चुअली डू इज मैं एक्स टू द पावर माइनस टू को सिर्फ कॉमन निकाल लूंगी, विच मीन्स कि आई एम डिवाइडिंग बाई एक्स माइनस टू द पावर माइनस टू द होल थिंग. तो इन अदर वर्ड्स ये मेरे पास थ्री रह जाएगा, आई विल गेट दिस फॉर्म ऑफ द इक्वेजन. ठीक है, ये वाली जो चीज़ है, बट देर इज नो डिफरेंस बिटवीन दिस और दिस. टेक्निकली अगर देखा जाए, दिस इज जस्ट सेइंग कि अगर आपके पास जो है वो आपने पावर्स जो हैं वो और ये देखें, ये वाली जो चीज़ है दिस इज एक्चुअली द सेम थिंग कि मैंने वहाँ से, बिकॉज ये चीज़ तो जीरो हो जाएगी ना. सो दिस इज एक्चुअली वट वी आर डूइंग बिकॉज वी वॉन्ट टू हैव अ करेक्टरिस्टिक इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल ऑफ जिसमें एन की पावर्स जो हैं उसमें मेरे पास लैम्डा की टर्म्स में आ रहा हो. ठीक है, तो इन ऑर्डर टू डू दैट वट आई एम डूइंग इज आई एम जस्ट डिवाइडिंग, कहाँ चला गया वो वाला, आई थिंक दिस वन इज, हाँ जी. सो वट आई एम डूइंग इज कि आई एम डिवाइडिंग द होल इक्वेजन बाय लैम्डा रेज़ टू द पावर एन माइनस एन. तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, मेरे पास ए नॉट के साथ क्या आ जाएगा लैम्डा का की पावर, जी क्या आएगी पावर, कौन बताएगा, इसके साथ क्या लिखूँ मैं, एन एन. ओके, सो लैम्डा रेज़ टू द पावर एन प्लस ए वन टाइम्स. देखें आप सब अगर ये चीज़ क्लियर नहीं है तो व्हाट वी आर डूइंग इज, लेट मी जस्ट डू वन मोर स्टेप, कि जो भी मेरे पास लास्ट हाईएस्ट एन ए एन है ना, जो भी जहाँ तक भी मेरे पास समेशन जा रही है, ठीक है, उसका जो कोफिशियंट है उसके साथ जो भी लैम्डा की पावर है उसको मैं थ्रू आउट डिवाइड कर रही हूँ, लैम्डा ऑफ एन माइनस एन से डिवाइड कर रही हूँ, एंड देन डिवाइड कर रही हूँ, तो इसका मतलब है कि आई हैव टू मल्टीप्लाई ऑल्सो. हम इस तरह तो नहीं कर सकते ना कि खुद ब खुद जो है वो चीज़ एक हम डिवाइड कर दें एंड देन मल्टीप्लाई हम ना कर रहे हो, बिकॉज वी नीड टू कैंसिल आउट. आप ऐड करते हैं, अगर कोई भी इक्वेजन है उसमें अगर कोई चीज़ आप ऐड कर रहे हैं तो आपको सेम चीज़ सब्ट्रैक्ट भी करनी पड़ेगी. ठीक है, अगर आप डिवाइड कर रहे हैं तो आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, बिकॉज अदरवाइज तो आप उसको अपनी मर्जी से चेंज कर रहे हैं. बट वी डू दीज काइंड ऑफ मैनिपुलेशंस इन मैथ अ लॉट इन ऑर्डर टू मेक, जिस तरह कंप्लीटिंग स्क्वायर अगर आपको याद हो कि उसमें ऐड सब्ट्रैक्ट आप कुछ करते थे नंबर इन ऑर्डर टू कंप्लीट द स्क्वायर्स एंड देन सॉल्व द इक्वेशंस एंड थिंग्स लाइक दिस. सो दिस इज समथिंग सिमिलर. सो व्हाट इज हैपनिंग इज कि ये लैम्डा रेज़ टू द पावर एन माइनस एन जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये तो बाहर है, और बाकी जो तमाम की तमाम टर्म्स हैं वो लैम्डा ऑफ एन माइनस एन से डिवाइड हो रही हैं. सो द फर्स्ट टर्म विल कम आउट टू बी ए नॉट लैम्डा एन, सेकेंड आ जाएगी ए वन लैम्डा ऑफ वट आए, क्या आएगा यहाँ पर, कौन बताएगा, n माइनस वन. ठीक है, एंड सो फोर्थ, मेरे पास सेकेंड लास्ट आ जाएगी लैम्डा ऑफ n माइनस एन टाइम्स वट लैम्डा प्लस ए एन. ठीक है, इक्वल टू जीरो. नाउ दिस इज एक्चुअली द करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल. इस पॉलिनोमियल को हम कहते हैं करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल. मैम जी जी बोले. मैम ये सेकंड इक्वेशन में जो आपने लैम्डा पावर एन माइनस के लिखा हुआ है मैम, ये आपने इसलिए किया क्योंकि हम लोगों ने सॉल्यूशन वाई एफ एन इज इक्वल टू लैम्डा पावर एन अज्यूम किया था, वो इसमें रिप्लेस हो जी 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 बिल्कुल बिल्कुल. क्योंकि देखें अगर आपके पास अगेन लेट सपोज कि मेरे पास एक इक्वेशन सिंपल इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो. ठीक है, और इसके लिए मैं ये कह देती हूँ कि इसका सोल्यूशन इज़ एक्स इक्वल टू सम ए के इक्वल है, तो इसका मतलब ये है कि
दिस वुड ऑलवेज बी ट्रू. ठीक है, अगर आपके पास सोल्यूशन आ गया या आपको किसी ने कह दिया कि सोल्यूशन इस तरह का होना चाहिए, सो जो इक्वेशन में आपने सोल्यूशन की वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो दैट वुड ऑलवेज गिव यू द दैट वुड डेफिनेटली, इट इज़ अ मस्ट कि जो सोल्यूशन है वो आपको इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो. सो यानी इनको इसको हम करके भी देख लेते हैं. ये जो इक्वेशन अभी मैंने ऊपर लिखी है, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, इसका सोल्यूशन आएगा क्या? सिंपल सी है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या सोल्यूशन आएगा जल्दी से बताइए मुझे. या लेट मी जस्ट मेक इट इजियर फॉर यू. जी जी बोले, हो गया किसी का? माइनस वन, माइनस वन आ रहा है. ठीक है, ओके. सो अब एक्स की जगह अगर मैं माइनस वन लिखती हूँ देन इट हैज टू सेटिस्फाई दिस इक्वेशन. ठीक है, और एंड आई कैन सी के दिस इज सेटिस्फाइंग. ठीक है, दिस विल बी कम आउट टू बी वन माइनस टू प्लस वन विच इज एक्चुअली इक्वल टू जीरो. सो दिस इज वट वी आर सेइंग. अगर हमने ये कह दिया है कि हमारा सोल्यूशन जो है दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल, तो इसका मतलब है कि वाई की जगह मैं इस एक्सपोनेंशियल को लिखूँ तो ये इक्वेशन होल्ड करनी चाहिए. ठीक है, और क्योंकि और फिर उसके बाद जो मैंने सिर्फ इसको एक्सपैंड किया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ करेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है वो सिर्फ समेशन को ओपन किया हुआ है और वहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन आ गई है करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई है. ओके, लेट मी राइट दिस करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑन अ सेपरेट स्लाइड. तो ये मेरे पास आ रही है ए नॉट लैम्डा एन प्लस ए वन लैम्डा एन माइनस वन प्लस सो एंड सो फोर्थ ए एन माइनस वन लैम्डा प्लस ए एन इक्वल टू जीरो. अब देखिए लैम्डा इज जस्ट अ वेरिएबल लाइक एक्स. ठीक है, जिस तरह आपके पास वो आगे जो मैंने इक्वेशन आपको लिखी थी एक्स में एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन लिखा, आपको फौरन समझ में आ गया बिकॉज ऑफ द रीजन कि आप पॉलिनोमियल्स को एक्स के सामने देखने के आदि. ठीक है, बट यू कैन थिंक ऑफ दिस ऑल्सो एज ए रेज़ टू द पावर ए नॉट एक्स ऑफ एन प्लस ए वन एक्स ऑफ एन माइनस वन एन प्लस सो एंड सो फोर्थ. आपके पास जो है वो वैल्यूज चेंज होती जा रही हैं. अब जब आप इसको अगर एक्स समझेंगे देन यू कैन सी के इफ दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ एन डिग्री एन, तो इसका मतलब है इसके कितने सोल्यूशन हो जाएंगे, इसके कितने रूट्स हो जाएंगे. अगर मैं एक्स इसको अगर आपके पास जो है वो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री टू होता है तो उसके सोल्यूशन में आपके पास कितने रूट्स आ रहे होते हैं, टू रूट्स आ रहे होते हैं. ठीक है, कि आपके पास दो सोल्यूशंस आ रहे होते हैं, दो नंबर्स आ रहे होते हैं. सिमिलरली अगर दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन तो इसका क्या मतलब है कि आपके पास एन रूट्स इसको सॉल्व करके मिल रहे होंगे. ठीक है, वी विल डू एन एग्जांपल आल्सो जिससे ये चीज़ आपको थोड़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएगी इन फ्यू मिनट्स. लेकिन हमारे पास एन रूट्स आ रहे होंगे, इसका क्या मतलब है, और वो एन रूट्स क्या हो जाएंगे, लैम्डा वन लैम्डा टू से लेकर लैम्डा एन तक हमारे पास वैल्यूज आ रही होंगी. एंड देन द एक्चुअल सॉल्यूशन जो वाई एच ऑफ एन है दैट विल नॉट बी डिपेंडेंट अपॉन जस्ट वन रूट बट इट विल बी डिपेंडेंट अपॉन ऑल ऑफ दीज रूट्स एल लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा थ्री से लेकर लैम्डा एन जो है वो तमाम के तमाम वैल्यूज पर डिपेंड कर रहा होगा. या जेनेरिक सॉल्यूशन इफ आई अस्यूम के दीज आर डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन, के अगेन मैं आपका ना बार बार ये अस्यूम कर रही हूँ कि आपने बहुत ज़्यादा डिटेल में डिफरेंट हुआ है तो यू नो द सिनेरियोस कि अगर डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस होते हैं तो आपके पास पॉलिनोमियल्स के सॉल्यूशन को हम किस फॉर्म में लिखते हैं, अगर रिपीटेड सॉल्यूशन होते हैं तो हम किस फॉर्म में लिखते हैं, एंड सो एंड सो फोर्थ. एंड देन अगेन आई विल गिव यू मे बी सम एग्जांपल क्वेश्चंस के जो आप इसको डिफरेंस इक्वेशंस को सॉल्व करके देख लेंगे उसी तरह से जैसे आप डिफरेंशियल को करते थे. बट हेयर वी आर फॉर द टाइम बीइंग वी आर अस्यूमिंग के डिस्टिंक्ट सारे के सारे रूट्स हैं. डिस्टिंक्ट रूट्स का क्या मतलब है कि इनमें से कोई रूट भी जो है वो किसी दूसरे रूट के इक्वल नहीं है. ठीक है, हमारे पास जो है वो सारे के सारे डिफरेंट रूट्स हैं. देन इन दैट केस द सॉल्यूशन विल कम आउट टू बी सी वन लैम्डा वन रेज़ टू द पावर एन प्लस सी टू लैम्डा टू रेज़ टू द पावर एन सो एंड सो फोर्थ सी एन लैम्डा एन रेज़ टू द पावर एन. ठीक है, एंड अगेन दिस इज नॉट समथिंग जो कि हमने अपने अपनी तरफ से अस्यूम कर लिए. दिस इज द वे द सॉल्यूशन कम्स आउट टू बी इफ यू हैव अ होमोजीनियस इक्वेशन एंड द होमोजीनियस इक्वेशन हैज
होमोजीनियस इक्वेशन से जो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बन रही है, अगर उसके एन डिस्टिंक्ट रूट हैं तो उसका सोल्यूशन जो होगा वो इस फॉर्म में हो जाएगा, जिसमें से ये जो हमारे पास हैं सी वन से लेकर सी सब एन तक की वैल्यूज़, दे आर एक्चुअली कोफिशियंट्स, ठीक है, एंड दीज कोफिशियंट्स कैन बी कंप्यूटेड बेस्ड अपॉन इनिशियल कंडीशंस. इन कोफिशिएंट को जो है वो हम इनिशियल कंडीशन इसमें यूज हो रही होती हैं, ठीक है. सो लेट्स एक्चुअली डू अ वेरी वेरी सिंपल एग्जांपल. आपकी अगेन आपकी बुक की ही एग्जांपल है, दिस इज एग्जांपल नंबर 2.4.8 जो यहाँ पे मैं कर रही हूँ. सो लेट्स डू इट टुगेदर. हमारे पास ये इक्वेशन है, ठीक है, और ये इक्वेशन जो है ये ऐसी इक्वेशन है जो हमने पहले भी की थी, और इसका सबसे पहले हम जो है वो होमोजीनियस सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं. सो व्हाट, हाउ डू वी स्टार्ट? जी कहाँ से स्टार्ट करें? वी विल अस्यूम, एक तो सबसे पहले जी एक्स ऑफ एन को जीरो करें. जी बिल्कुल, ठीक है. सो पहला स्टेप क्या है, एक्स ऑफ एन को जीरो किया, सो इट विल कम आउट टू बी समथिंग. दिस इज होमोजीनियस इक्वेशन जो कि हमारे पास आ गई है. अब नेक्स्ट क्या करें, अगेन वी विल अस्यूम के दिस विल बी इन द फॉर्म ऑफ लैम्डा रेज़ टू द पावर एन. तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर मेरे पास लैम्डा एन आ जाएगा, एंड हेयर आई हैव ए वन लैम्डा ऑफ एन माइनस वन विच इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है. एंड अगेन आई विल डू द सेम थिंग, वो जो मल्टीप्लाई और डिवाइड वाली चीज़ की है, बिकॉज इन ऑर्डर टू टेक द पॉलिनोमियल करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, बिकॉज मेरे पास हाइएस्ट जो ए है दैट इज़ ए वन, तो इसके साथ जो भी मेरे पास लैम्डा की पावर आ रही है उससे मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रही हूँ. दिस इज जस्ट टू टेक द पॉलिनोमियल इन अ डिफरेंट, यानी पॉलिनोमियल का जो है वो मैं बेसिकली पावर्स इस फॉर्म में करना चाहती हूँ कि थिंग्स बिकम्स ईजियर फॉर मी टू सॉल्व, ठीक है. एन के बजाय जो है वो 1, 2, 3 के फॉर्म में, मतलब स्क्वायर क्यूब और इस तरह की फॉर्म में आ जाए, विच इज़ ईजियर टू सॉल्व. अदरवाइज आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, दैट इज़ नॉट एन इशू, बट इट विल बी डिफिकल्ट जब अगर एन बीच में इन्वॉल्व है. सो इन एनी केस ये मेरे पास क्या आ जाएगा, एन लैम्डा ऑफ एन माइनस वन टाइम्स दिस विल बिकम ओनली लैम्डा एंड दिस विल बिकम ए वन विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, एंड अगेन दिस थिंग्स विल बी इक्वल टू ज़ीरो. तो मेरे पास यहाँ से जो पॉलिनोमियल ये जो रूट आ गया लैम्डा दैट इज माइनस वन के इक्वल आ गया, ठीक है. जी जी बोले मैम, ये लैम्डा के ऊपर माइनस वन नहीं आना चाहिए? देखें ये है ना, ओके अच्छा ठीक है, ठीक है, सॉरी प्लस वन आता है. हाँ जी, ऊपर ऊपर चला के माइनस वन प्लस हो जाएगा, ठीक है. ओके, सो दिस इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, और इसमें जो है वो मेरे पास एक ही रूट है बिकॉज फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन थी मेरे पास. तो अगर मैं इसको फिर सॉल्यूशन, इसका क्या मतलब है कि अब मेरे पास जो हमने देखा था कि वाई ऑफ एच ऑफ एन जो है दिस वुड बी इक्वल टू सी वन टाइम्स लैम्डा रेज टू द पावर एन आ जाएगा, बिकॉज देर इज ओनली वन लैम्डा, तो दिस विल बी इक्वल टू सी वन टाइम्स माइनस ए वन रेज टू द पावर एन, ठीक है. दिस इज द होमोजीनियस सोल्यूशन, एंड इफ आई वॉन्ट टू सॉल्व फॉर सी वन, टू सॉल्व फॉर सी वन आई वुड नीड इनिशियल कंडीशन, ठीक है. इनिशियल कंडीशन का क्या मतलब है कि y ऑफ माइनस वन क्या है, ठीक है. यहाँ पर क्योंकि देखें टर्म जो है वो सिर्फ एक मेरे पास प्रीवियस वैल्यू ऑफ द आउटपुट जो है वो सिर्फ y ऑफ n माइनस वन तक जा रहा है, तो y ऑफ माइनस वन सिर्फ चाहिए होगा जिससे ये चीज़ सॉल्व हो जाएगी, ठीक है. अदरवाइज ये कि मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आपके पास जितना ऑर्डर बढ़ता चला जाता है उतनी ज़्यादा इनिशियल कंडीशंस की हमें ज़रूरत पड़ती है. फॉर द टाइम बीइंग अगेन वी विल नॉट टॉक अबाउट कि इनिशियल कंडीशंस को हम कैसे यूज़ करेंगे, बट दैट इज़ समथिंग नॉट दैट डिफिकल्ट. कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम इनिशियल कंडीशन को यूज़ करके सी वन की वैल्यू निकालना चाहते हैं, देन वट वी कैन डू इज़ कि हम एन को जो है वो ये हमारे पास देखिए दो इक्वेशन है ना, एक हमारे पास एक इक्वेशन है जो कि एक्चुअल इक्वेशन है होमोजीनियस, और एक इक्वेशन हमारे वाई की ये आ रही है जो कि सॉल्यूशन की इक्वेशन आ रही है, ठीक है. तो इन दोनों इक्वेशन में मैं अगर एन को जीरो रख देती हूँ, देन आई कैन सी कि मेरे पास जो है वो यहाँ से वाई ऑफ एन, यहाँ से मेरे पास वाई ऑफ जीरो
इन टर्म्स ऑफ समथिंग आ जाएगा, और यहाँ से भी मेरे पास वाई ऑफ जीरो इन टर्म्स ऑफ समथिंग आ जाएगा, और ये जो चीज़ होगी दिस विल बी इक्वल टू, दिस विल इन्वॉल्व सी वन ऑल्सो. और क्योंकि दीज आर बोथ वैल्यूज ऑफ वाई ज़ीरो फ्रॉम द होमोजीनियस इक्वेजन, इन दोनों को इक्वेट करके हमें सी वन की वैल्यू मिल जाएगी. और ये जो आपकी एग्जाम्पल जिसकी मैं बात कर रही हूँ बुक में, दिस इज एग्जाम्पल 2.4.8, इसमें बेसिकली दे हैव सॉल्व फॉर द वैल्यूज ऑफ इनिशियल कंडीशन. जो मैथड मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ उसी तरह से उन्होंने सॉल्व किया हुआ है. सो यू कैन हैव अ लुक एट दैट एग्जाम्पल, दैट इज़ नॉट समथिंग वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. लेकिन वट वी आर सेइंग इज कि हमारे पास जब भी जेनेरिक सोल्यूशन आ रहा है, होमोजीनियस सोल्यूशन आ रहा है, उस केस में वी ऑलवेज नीड टू फाइंड फॉर दिस दीज कोफिशिएंट्स, एंड फॉर देम वी ऑलवेज नीड टू नो कि आपके पास इनिशियल कंडीशन क्या है, विच मीन्स के मेमोरी जो भी सिस्टम में मौजूद है वो किस फॉर्म में मौजूद है. ओके, नेक्स्ट जो हमने ये तो कर लिया विच इज़ द होमोजीनियस सोल्यूशन, बट वी सॉ कि अगर हम ओवरऑल सोल्यूशन देखना चाह रहे हैं देन दैट इज़ एक्चुअली दैट कंसिस्ट ऑफ होमोजीनियस प्लस पर्टिकुलर सोल्यूशन. पर्टिकुलर सोल्यूशन में वी नीड टू एक्चुअली नो द फॉर्म ऑफ द इनपुट. सो पर्टिकुलर सोल्यूशन जो है वो, लेट मी जस्ट डू इट हेयर, इसी हम एग्जाम्पल को लेते हैं और हम डायरेक्टली पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं. वी हैव ए वन वाई ऑफ एन माइनस वन इक्वल टू एक्स ऑफ एन, एंड वी हैव एक्चुअली इस्टेब्लिश दिस थिंग दैट होमोजीनियस सोल्यूशन हमारे पास आ चुका है विच इज सी वन माइनस ए रेज टू द पावर एन. ठीक है, अब पर्टिकुलर सोल्यूशन अगर मैंने निकालना है तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ जो मुझे चाहिए वो क्या है, आई नीड टू एक्चुअली नो कि x ऑफ n है क्या पर्टिकुलरली. अब इस स्पेसिफिक एग्जांपल के लिए वी अस्यूम के x ऑफ n इज इक्वल टू u ऑफ n. ओके, देन इन दैट केस जिस तरह मैंने शुरू में ही कहा था कि पर्टिकुलर सोल्यूशन में वी अस्यूम के हमारे पास जो पर्टिकुलर सोल्यूशन होगा that would be actually dependent upon the form of the solution, form of the input. तो इसका मतलब है कि आपके पास एक्चुअली टेबल आपका बुक में जो है, टेबल मेरा ख्याल है 2. I don't remember कि कौन सा टेबल है, लेकिन सेकेंड चैप्टर में जहाँ पे ये आपके पास इक्वेजन जहाँ पे ये एग्जाम्पल मौजूद है 2.4.8, वहाँ पर ही एक टेबल मौजूद है जिसमें उन्होंने सारे सेट ऑफ पेयर्स दिए हुए हैं. जी, टेबल 2.1 है. टेबल 2.1 जो है इसके अंदर बेसिकली दे हैव गिवन कि अगर आपके पास इनपुट एक स्पेसिफिक फॉर्म में हो तो उसमें आउटपुट हम पर्टिकुलर किस तरह का अस्यूम करते हैं. सो व्हेन वी हैव इनपुट इक्वल टू यू ऑफ एन तो आउटपुट को भी हम अस्यूम कर लेते हैं सम कांस्टेंट टाइम यू ऑफ एन. एंड अगेन जिस तरह वी नो कि अगर दिस इज द फॉर्म ऑफ द आउटपुट तो इसका मतलब है कि दिस मस्ट सेटिस्फाई द कंडीशन इक्वल जो भी हमारे पास इनिशियल इक्वेजन है. तो इसका क्या मतलब है कि मैं यहाँ पर आई कैन राइट इट टू बी के टाइम्स यू ऑफ एन प्लस ए वन टाइम्स के यू ऑफ एन माइनस वन इक्वल टू यू ऑफ एन. ठीक है, अब पर्टिकुलर सोल्यूशन में हमें क्या नज़र आ रहा है कि अगर मैं इसको सोल्यूशन फाइंड आउट करना चाहती हूँ तो आई नीड टू सॉल्व फॉर के. ठीक है, के लिए सॉल्व करने के लिए नॉर्मली वी टेक दोज, अब देखें मैं n, आई कैन स्टार्ट विद n इक्वल टू ज़ीरो और n इक्वल टू वन और n इक्वल टू टू, जो भी मैं करना चाहूँ मैं डिफरेंट वैल्यूज जो है लेके इसको सॉल्व कर सकती हूँ. बट देयर इज़ अगेन अ रूल कि वी चूज द वैल्यू ऑफ n इन सच अ वे कि इनमें से कोई भी टर्म वैनिश ना हो जाए. फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास देखें, फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट करें मैं n इक्वल टू ज़ीरो रखती हूँ तो इसका क्या मतलब है कि मेरे पास ये आ जाएगा u ऑफ ज़ीरो प्लस a वन के ऑफ k टाइम्स u ऑफ माइनस वन इक्वल टू यू ऑफ ज़ीरो. ये चीज़ जो है वो ज़ीरो हो जाएगी ऑटोमेटिकली, राइट, बिकॉज यू ऑफ माइनस वन इज़ ज़ीरो. सो वी एक्चुअली डोंट सेलेक्ट एनी वैल्यूज ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यो जो भी आपके पास पैरामीटर है उसकी वैल्यू को हम इस तरह से सेलेक्ट नहीं करते थे कि कोई भी टर्म जो है वो ज़ीरो हो जाए. सो इन अदर वर्ड्स वट वी आर सेइंग इज के वी विल चूज अ वैल्यू ऑफ एन that will not vanish
एनी ऑफ द टर्म्स, और वो जो वैल्यू है वो क्या होगी, वी कैन चूज n टू बी एनी थिंग ग्रेटर और इक्वल टू 1, बिकॉज वी नो कि u ऑफ n की अगर हम बात कर रहे हैं, u ऑफ n माइनस 1 है ना, जिसकी वजह से हमारे पास एक टर्म जीरो होने लगी थी, तो अगर मैं n को ग्रेटर देन 1 रखती हूँ तो ये सारी की सारी टर्म्स जो हैं दे विल बी नॉन जीरो, एंड इट डजेंट मैटर मैं 1 रखती हूँ 2 रखती हूँ, दे विल गिव द सेम वैल्यू, बिकॉज u ऑफ 1, u ऑफ 2, u ऑफ 3 एंड सो फोर्थ आपके पास सेम वैल्यूज आ रही होती हैं. सो इफ आई टेक n इक्वल टू, लेट सपोज के आई जस्ट टेक n इक्वल टू 1, तो इसका मतलब है कि इट विल कम आउट टू बी u ऑफ 0 प्लस ए वन टाइम्स के यू ऑफ यू ऑफ 1, यहाँ यू ऑफ 1 है, दिस इज़ यू ऑफ 0 एंड दिस इज़ अगेन यू ऑफ 1, ठीक है, और यू ऑफ 1 इज़ 1, तो दिस विल कम आउट टू बी के प्लस ए वन टाइम्स के इक्वल टू 1, या इन अदर वर्ड्स यहाँ से आई विल हैव, लेट मी राइट इट हियर, जी आई विल हैव k इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस ए 1, ओके. सो अगर मैं ये वैल्यू पुट कर देती हूँ तो दिस इज एक्चुअली माय पर्टिकुलर सॉल्यूशन. सो द पर्टिकुलर सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस ए 1 टाइम्स यू रेस टू द पावर n, एंड ओवरऑल सॉल्यूशन. जी जी बोले मैम, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए हमारी ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन की इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही थी, तो ये yp ऑफ n को u n माइनस 1 से मल्टीप्लाई नहीं करना चाहिए, u ऑफ n माइनस 1 से क्यों मल्टीप्लाई? अच्छा, आप इसलिए कह रहे हैं कि बिकॉज ऑफ द रीजन कि हमारे पास जो n इक्वल टू 1 के लिए सेटिस्फाई हो रही होगी. ओके, आई नीड टू चेक, आपकी लॉजिक तो ठीक है, लेकिन हाँ आपकी लॉजिक तो ठीक है कि इट शुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम एन इक्वल टू माई 1, यू ऑफ एन माइनस 1, लेकिन आई गेस कि आपकी बुक में जो है यही सोल्यूशन दिया हुआ है, सो आई नीड टू चेक कि यू ऑफ एन से होना चाहिए. आई विल गेट बैक टू यू टुमारो अगेन कि मे बी आपकी बुक में ये मिस्टेक है, लेकिन आपकी लॉजिक ठीक है बिकॉज दिस इज सेटिस्फाइड फॉर n greater than or equal to 1 के लिए सेटिस्फाई हो रहा है. सो इन एनी केस u ऑफ n है या u ऑफ n माइनस 1 है, अब इन दोनों सोल्यूशंस को सिंपली हम ऐड करके ऐड करेंगे, देन वी विल बी गेटिंग द टोटल सोल्यूशन, ठीक है. एंड आई गेस के देयर वुड बी नंबर ऑफ थिंग्स जो कि आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है आप कह लें, या ये कि विच यू मे नॉट बी रिमेंबरिंग एट द मोमेंट विद रेफरेंस टू द डिफरेंशियल इक्वेशन और डिफरेंट इक्वेशन, लेकिन ये कि अनफॉर्चुनेटली वी डोंट हैव दैट मच टाइम कि हम डिफरेंस इक्वेशन पे लगा सकें, तो आई वुड मोस्ट प्रोबेबली गिव यू सम प्रैक्टिस क्वेश्चन, या ये कि जब आप लोग ऑन कैंपस आ जाते हैं तो फिर उसके बाद वी कैन हैव अ सेपरेट सेशन कि जिसमें हम इसको फर्दर डिस्कस कर सकते हैं, आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड हों उनके साथ, ठीक है. तो लेकिन ये कि फॉर द टाइम बींग जस्ट रिमेंबर दिस स्टेप्स, के अगर आपने डायरेक्टली सॉल्व करना हो, द गुड थिंग इज वी विल नेवर बी सॉल्विंग दैम डायरेक्टली एटलीस्ट फॉर दिस कोर्स पर्टिकुलर कोर्स, क्योंकि हम हमेशा जी डोमेन में जाके जो है वो उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, विच इज समथिंग विच मेक्स मच मोर विच इज ईजियर टू सॉल्व ऑल्सो, एंड देन इट नीड्स लेस नंबर ऑफ अजम्पशन, उससे जो है वो चीज़ें हम ज़्यादा क्लियरली हमें समझ में आ जाती हैं, ठीक है. बट वी विल एक्चुअली आई विल गिव यू सम एग्जाम्पल्स और सम लिटरेचर जिससे आप जो है वो पढ़ के थोड़ी सी चीज़ें रिवाइज हो जाए. ओके, नेक्स्ट चीज़ जो है वो हम ज़्यादा तो नहीं कर पाएंगे, बट आई वॉन्ट टू स्टिल टच अपॉन कोरिलेशन. आप मुझे आप में से कोई बताएगा कि व्हाट इज कोरिलेशन, व्हाई डू वी नीड टू डू कोरिलेशन? आप लोगों ने कम्युनिकेशन सिस्टम्स में पढ़ा हुआ होगा डेफिनेटली, ठीक है. सो कोरिलेशन इटसेल्फ, हम जाहिर है डिस्क्रीट टाइम सिस्टम के कोरिलेशन की बात करेंगे, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के कोरिलेशंस की बात करेंगे, लेकिन माय क्वेश्चन इज कि कोरिलेशन करते क्यों हैं? जी जी बोले ये हमारे पास जो सिस्टम्स हैं उनमें आपस में क्या रिलेशनशिप है. ओके, मैम मेनली जो हम लोग सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं उसको दोबारा रिसीव करने के लिए जो है ना कोरिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है उसका. ओके
ओके गुड जी, एक और आवाज़ भी मुझे आ रही थी जी, अब कोई और भी कमेंट कर रहा था इसके ऊपर, ठीक है। सो वन ऑफ द कमेंट इज़ कि अगर आप रिसीव सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहे हैं और रिसीव करने के लिए कोरिलेशन देखना चाहेंगे, दूसरा ये है कि आप सिमिलैरिटीज को करना चाहेंगे। तो बेसिकली बोथ ऑफ देम आर करेक्ट आंसर्स इन द सेंस कि जो जेनेरिक पर्पस है कोरिलेशन का वो यही है कि यू वॉन्ट टू कंपेयर टू सिग्नल्स, ठीक है। सिमिलैरिटीज आप चेक करना चाहते हैं, और वो सिमिलैरिटीज आप किस तरह चेक करना चाह सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल जिस तरह आप में से किसी ने कहा कि One of the examples can be कि you are transmitting a signal, maybe radar का signal है जो कि हम कहीं भेज रहे हैं, and then radar का signal जा रहा है और आगे कोई object है और वो वहाँ से जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है, ठीक है, टकरा के वापस आ रहा है। तो जब वो सिग्नल, जो सिग्नल अब यहाँ से भेजा गया है और जो सिग्नल यहाँ पे रिसीव हो आ रहा है, अगर उसमें कोरिलेशन हाई कोरिलेशन है, ठीक है, तो वी वुड अस्यूम कि यही वाला सिग्नल जो मुझे यहाँ पे सिग्नल रिसीव हो रहा है वो यही सिग्नल है जो कि भेजा गया था। इसका मतलब है कि इट मस्ट हैव हिट समथिंग जहाँ से वो रिफ्लेक्ट बैक होके आ रहा है, ठीक है। बट द थिंग्स आर नॉट दैट ईजी बिकॉज ऑफ द रीजन कि जो ये सिग्नल वापस आ रहा होगा, इट वुड हैव अ लॉट ऑफ नॉइज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द रीजन कि उसने इतना ट्रेवल करके जो वो कहाँ तक गया, एटमोसफेयरिक नॉइज भी है, उसके बाद इर्द गिर्द का एटमोसफेयरिक वो इक्विपमेंट जो है उसका अपना नॉइज है, फिर वो पता नहीं और कहाँ से कितनी चीज़ों से टकराता हुआ वहाँ तक पहुँचा है जो टारगेट हम डिटेक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। बट द पॉइंट इज कि एंड देन डिलेज ऑल्सो हैं बिकॉज वो यहाँ से गया है एंड देन वो वापस आ रहा है। सो बट आर टारगेट इज़ टू फिगर आउट कि फ़र्ज़ करें अगर मेरे पास जो था वो ये सिग्नल मैंने भेजा था एंड देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी If I am very lucky कि noise बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक चीज़ तो है कि ये delay तो इसमें होगा ही होगा। तो somehow अगर मैं इसकी similarities को check करना चाहती हूँ, तो what अगर मैं इसी point पे similarity को देखूँ, तो definitely मैं ये कह, अगर फ़र्ज़ करें कि ये 0 से लेकर 10 सेकेंड तक का सिग्नल था, मैं 0 से 10 सेकेंड तक का ही अगर जो है वो रिसीव सिग्नल का चंक देखती हूँ, तो यहाँ तो मुझे नहीं नज़र आ रहा कि बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है, ठीक है। सो बट आई कैन सी के दे आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल सिस्टम सिग्नल्स। सो व्हाट आई शुड बी डूइंग इज़ कि मैं इनमें से किसी एक को आगे पीछे मूव करना शुरू करूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको लूँ और इसको लेके जो है वो मैं पूरा ऐसे मूव करूँ एंड देन आई स्टार्ट टू स्लाइड दिस वन, और जब मैं इसको स्लाइड करती जाऊँ और फिर मैं आई कीप ऑन चेकिंग कि अच्छा अब कितना सिमिलैरिटी, अब कितनी सिमिलैरिटी है, एंड देन व्हेन जाहिर है जब ये स्लाइड करते करते इतना ज़्यादा आ जाएगा कि ओवरलैप जो है वो कंप्लीट हो गया है, तो आई वुड गेट समथिंग सम रिजल्ट विच विल बी वेरी हाई सिमिलैरिटी, ठीक है, एंड देन इट विल स्टार्ट टू डिक्रीज अगेन जैसे जैसे ये आगे मूव करना शुरू हो जाएगा। सो आई वुड नो कि अच्छा बेसिकली इतना डिले था जिसकी वजह से मेरे पास जो है वो बिल्कुल ज़ीरो पे दोनों अलाइन नहीं थे, लेकिन ये कि दे आर सिमिलर सिग्नल एंड देन इट इज गिविंग मी दिस इंफॉर्मेशन के यहाँ पे टारगेट था, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब जो जिस डोमेन में मैं काम करती हूँ ब्रेन डेटा के साथ, वहाँ पे क्या हो रहा होता है, आपके ब्रेन जो है अगर कभी आप ब्रेन के साथ काम करेंगे तो यू विल सी कि ब्रेन में स्ट्रक्चरल कनेक्टिविटी एक होती है। स्ट्रक्चरल कनेक्टिविटी का क्या मतलब है कि देर आर पाथवेज इन द ब्रेन जिससे सिग्नल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है, मतलब फिजिकली मूव कर रहा है, आपके पास जो है वो ब्लड फ्लो कर रहा है, ब्लड के साथ एक्टिवेशन फ्लो हो रही है एंड सो फोर्थ। सो इट मीन्स कि इफ दिस इज ब्रेन, ये ब्रेन का जो है वो लेफ्ट वाला पार्ट है, ये ब्रेन का राइट वाला पार्ट है, अगर फिजिकल कनेक्शन है दोनों के दरमियान में, तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि मेरे पास जो सिग्नल, लेट्स सपोज के अभी मैं बात कर रही हूँ और उसकी वजह से यहाँ पे कहीं जो सिग्नल है वो जनरेट हो रहा है एंड देर इज अ पाथ बिटवीन दिस एंड दिस रीजन, तो ये वाला सिग्नल ट्रेवल करके यहाँ पर पहुँच सकता है आफ्टर सर्टन टाइम विद सम नॉइज, मे बी विद सम अदर सिग्नल्स ऑल्सो, लेकिन आई शुड बी एबल टू डिटेक्ट अगर मैं कोरिलेट करूं तो जो मुझे यहाँ पे सिग्नल मिल रहा था फॉर सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम जितने में भी मैं बात कर रही थी, तो वही वाला सिग्नल जो है मुझे यहाँ पे मिलना चाहिए। सो इसका क्या मतलब है कि नाउ आई नो कि अच्छा ये पाथ फेज जो है ना, बिकॉज अगेन आप अभी आप लोगों को ब्रेन के बारे में नहीं पता, बट जस्ट बिलीव मी कि जो मैं कह रही हूँ कि ब्रेन जो है वो बेसिकली स्ट्रक्चरल कनेक्टिविटी का क्या मतलब होता है कि आपके पास डिफरेंट रीजन, यानी ये वाला जो रीजन जिसकी मैं बात कर रही हूँ, इसको मैं अगर रीजन एक वन कर देती हूँ, ये टू कह देती हूँ, रीजन वन इज नॉट ओनली कनेक्टेड विद रीजन टू, इट इज कनेक्टेड विद नंबर ऑफ
अदर रीजन ऑल्सो, ठीक है? तो इसका मतलब है कि आपके पास जरूरी तो नहीं है कि ये यहाँ पर ही जा रहा हो, सकता है सिग्नल यहाँ जा रहा हो, सकता है कहीं और जा रहा हो, सकता है कि यहाँ जा रहा हो, सकता है कि कहीं वो ज्यादा जा रहा है कहीं कम जा रहा है, बेस्ड अपॉन कि किस तरह स्ट्रक्चरली कनेक्टेड है. बट द पॉइंट इज कि आई वॉन्ट टू नो कि अच्छा ये जो सिग्नल यहाँ जनरेट हो रहा था इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ तक जा रहा है, सो दैट मे बी आई वॉन्ट टू नो कि मैं इसमें अगर कोई एक्टिवेशन कर रही हूँ तो ब्रेन के किस किस रीजन को मैं हिला सकती हूँ, या ये कि अगर ये रीजन खराब हो जाता है, इस पे काम सही नहीं हो रहा, तो उसकी वजह से और कितने रीजन जो है उनके ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है. सो द कोरिलेशन इज द इजीएस्ट वे टू डील विद दैट थिंग, बिकॉज कोरिलेशन के थ्रू जो है आई वुड जस्ट टेक द टू सिग्नल्स वहाँ की रिकॉर्डिंग लेके एंड देन आई विल स्टार्ट टू मूव वन सिग्नल एंड देन कीप ऑन कंपेयरिंग दैम. और कंपेयर करने का जो सबसे आसान तरीका है वो क्या है कि वी जस्ट टेक द वैल्यूज, अगर हम जिस तरह डिस्क्रीट टाइम की बात करें तो वी टेक द वैल्यूज सैम्पल बाय सैम्पल, ठीक है? ये जो चीज़ अभी मैंने थोड़ी सी एक्सप्लेन की है. सो वट वी आर सेइंग इज के कोरिलेशन ऑफ एक्स वाई को और एल जो है इसका पैरामीटर है, कॉन्वोल्यूशन में हम एन कर रहे होते हैं, यहाँ पे हमने एल को के से रिप्रेजेंट किया हुआ है, बट इट डजेंट मैटर. बट वट वी आर सेइंग इज के अब आप ये देखें कि यहाँ पर मैंने क्या कर रही हूँ, ये वाला जो फॉर्मूला है इसमें एक्स ऑफ एन, वट एवर द एक्स ऑफ एन इज, एक्स ऑफ एन को हमने कॉन्स्टेंट रखा है और वाई ऑफ एन जो है हमारे पास उसको हम मूव कर रहे हैं. और मूव कैसे करेंगे हम, वी विल एक्चुअली ट्राई टू टेक, यानी जिस तरह आपके पास कॉन्वोल्यूशन है इट इज़ सिमिलर टू दैट, कि अगर मेरे पास फर्स्ट करें ये जीरो पॉइंट था तो अगर मैं इसको मूव कर रही हूँ तो आई विल टेक दिस जीरो टू बी एल, क्योंकि हम एल जो है वो हम शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है? और उसके बाद जो है वो आपके पास हाँ जी ठीक है. सो एंड देन यू विल टेक दिस एल, दिस विल बी एल प्लस वन, दिस विल बी एल माइनस वन. तो एल प्लस वन को जो है वो आप यहाँ तक लेके जाएंगे, यानी यू विल मूव इट लाइक दिस जहाँ से ओवरलैप स्टार्ट हो रहा है, एंड देन यू विल स्टार्ट द ओवरलैप बाय शिफ्टिंग इट in the right direction one by one by one one, and then you will keep on multiplying sample by sample. और अगर ये दोनों identical हैं तो एक point ऐसा आएगा जहाँ पे samples जो हैं वो बिल्कुल exactly same overlap हो रहा होगा, and you will get a very high value of the sum of the product of the samples. और हमें automatically पता चल जाएगा कि अगर ये highest peak आ रही है हमारे पास तो इसका मतलब है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा similarity है, और उसके बाद जो है वो फिर ज़्यादा decay करना शुरू हो जाएगा. अब यहाँ देखें, मैंने दो formulae यहाँ पर लिखे हुए हैं. एक तो ये there are two possibilities अगर मैं correlation of x with y ले रही हूँ, ठीक है? एक तो ये कि मैंने x को कांस्टेंट रखा है और y को जो है वो मैं एक सर्टेन डायरेक्शन में मूव कर रही हूँ, ठीक है? और अगर मैं y को कांस्टेंट रख लेती हूँ, y को मूव नहीं कर रही, और x, इसका मतलब क्या है कि x को अब मैंने ऑपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट करवाना है, ठीक है? मतलब दिस इज समथिंग यू वी नीड टू एक्चुअली अंडरस्टैंड कि बोथ ऑफ दीज आर इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स बिकॉज ऑफ द रीजन. ये नीचे मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, लेकिन इसको अगर आप विजुलाइज करने की कोशिश करें तो इसका क्या मतलब है कि अब अगर मेरे पास एक को हमने कांस्टेंट रखा हुआ है और दूसरा मूव कर रहे हैं, तो अगर हमने फॉरवर्ड डायरेक्शन से जो हमारे पास ओवरलैप आ रहा था, ओके, और लेट अस डू वन थिंग. मैं यहाँ पर, अच्छा टाइम ओवर हो गया, चले मैं यहाँ पर रोक देती हूँ. मेरा ख्याल है देर इज़ नो पॉइंट कि मैं इसको रश करूँ, वी विल कंटिन्यू इट टमोरो. लेकिन कल जब हम वापस आएंगे ना, तो यू नीड टू कम विद नंबर ऑफ कुछ एग्जाम्पल्स आपने करके आनी है, सो दैट वी विल नॉट बी स्पेंडिंग द टाइम ऑन दोज एग्जाम्पल्स. अच्छा, आपने क्या करना है, मैं आप सबको सिग्नल प्लॉट करके दे रही हूँ. ओके, सो दिस इज एक्स ऑफ एन, ठीक है? और इस एक्स ऑफ एन को, दिस इज सिंपल, इसकी वैल्यू वन है जीरो पे और वन पे, एंड माइनस वन पे इसकी वैल्यू माइनस वन है, ठीक है? एंड आई हैव अ वाई ऑफ एन, ठीक है?
और y ऑफ n की जो वैल्यू मैंने रखी हुई है दीज आर जस्ट सिंपल वन ऑन ज़ीरो एंड वन. ये एग्जांपल स्पेसिफिकली मैं इसलिए दे रही हूँ कि मैंने खुद अपने पास भी इसको ही सॉल्व किया हुआ है, सो इट वुड मेक माई लाइफ ईजी ऑल्सो. अच्छा, अब वट आई वॉन्ट यू टू डू इज आई वॉन्ट यू टू कम्प्यूट फोर कम्प्यूट कोरिलेशन यूजिंग फोर फॉर्मूलाज. ठीक है, एक तो फॉर्मूला आपने जो यूज करना है वो ये है, ये एक्स वाई एल है विच इज एन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ एन वाई ऑफ एन माइनस एल. ठीक है, कॉन्जुगेट का साइन मैंने आपको नोट्स में नजर आ रहा था लिखा था, लेकिन यहाँ पे रियल सिग्नल्स हैं तो कॉन्जुगेट डजंट मैटर. वो सिर्फ इसलिए लिखा हुआ था कि अगर कॉम्प्लेक्स हो तो फिर हम उसको भी उसमें भी ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, अच्छा दूसरा अगेन एक्स वाई ऑफ एल का ही फॉर्मूला मैंने लिखा है एंड दैट इज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी वाई ऑफ एन एक्स ऑफ एन प्लस एल. ठीक है, तीसरा जो फॉर्मूला है दैट इज आर वाई एक्स ऑफ एल विच इज इक्वल टू एन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी हाँ जी ठीक है, वाई ऑफ एन एक्स ऑफ एन माइनस एल. एंड जो लास्ट फॉर्मूला है दैट इज r y x of l again n from minus infinity to infinity x of n y of n plus l. ठीक है, आप बेशक आप इस स्लाइड की पिक्चर ले लें, वैसे तो खैर मैं अपलोड कर देती हूँ, बट जस्ट दिस स्लाइड क्योंकि इस पर वो तमाम इन्फॉर्मेशन मौजूद है जो कि आपको मैं चाहती हूँ कि आपने करना है. अच्छा, ये चारों फॉर्मूले लगा के सिर्फ इन दो सिग्नल्स के लिए आपने करना है. टुमारो आई विल आस्क यू जस्ट टू थिंग्स, एक तो ये कि सॉल्यूशंस दोनों केसेस में. ठीक है, अब आप ये देखें आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे मैंने इसको आर एक्स ऑफ वाई लिखा हुआ है, इन दोनों को वाई ऑफ एक्स लिखा हुआ है. ठीक है, सो आई वुड लाइक यू टू गिव मी ऑल द फोर सॉल्यूशन. लेट मी एक्चुअली मेक इट प्राइम. ठीक है, सो आई वॉन्ट द सॉल्यूशंस ऑफ ऑल द फोर सॉल्यूशंस चाहिए मुझे. और दूसरा ये कि रिलेशनशिप आपको कोई नज़र आ रहा है इन सॉल्यूशंस में, मतलब रिलेशनशिप का मतलब कि आर दे आइडेंटिकल, ऑल द सॉल्यूशंस आइडेंटिकल, और इफ नॉट आइडेंटिकल देन हाउ आर दे रिलेटेड विद ईच अदर. ठीक है, आर एक्स वाई प्राइम, आर वाई एक्स एंड आर वाई एक्स प्राइम. ठीक है, इट शुड नॉट बी डिफिकल्ट, दिस इज जस्ट लाइक कॉन्वोल्यूशन. आपने एक को जो है वो शिफ्ट करना शुरू करना है और दूसरे को उसी तरह रखना है एंड देन जस्ट कीप द वैल्यूज. ओके, सो वी विल स्टॉप नाउ, कल फिर हम इसको इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे.